Tunggu ini macam minggu baru dia nama kerja minggu ini sempat saya nombor semua usaha semua dia cakap tu cint semua bawaan semua bawaan baru cipu मंगलम भगवान देव मंगलम गौतम मंगलम कुंड कुंडार सर्व मंगल मांगो सर्व कल्याण पावपम प्रदान सर्व धर्म जय मंगल उनका इंदु सिंह नित्यं ध्यायन्ति योगिनः अहमदं मक्षवं चैव ओंकाराय नमः। जैन धर्म के दो संप्रदाय होते हैं मुख्यतः दिगंबर श्वेतंबर। ऐसे जैन धर्म में कोई संप्रदाय नहीं, जैन धर्म वस्तु का स्वरूप है और वो वितरागता है। जैसे राग द्वेष खत्म हो वितरागता ही कन गुण संपूर्ण क्रोध मान माया लोक का नाश हो जाए और जीव को शांति मिले, इसकी राह दिखाने वाला जो धर्म है वो जैन धर्म कहलाता है। उसके अनुसार चले तो हमारे अंतर परिणति में मलिनता निकल जाए, क्रोध मान माया लोक आदि राग द्वेष मोह हट जाए, वितरागता की उत्पत्ति हो और आत्मदर्शन आत्म आराधना पूर्वक और मोक्ष के पंथ में परमात्मा स्वयं धने अवस्था में वो है, वो जो साधना करने वाला है उसको जैन कहते हैं। साधना पूरी होती है तो उसको जीन कहते हैं। तो जो श्वेतंबर संप्रदाय है वो अपने को श्वेतंबर मानते हैं, मतलब वस्त्र वाले साधु ऐसे। तो उनका जो परिश्रम पूर्व 8 दिन का होता है वो आज पूरा होता है, आज इच्छा में दुकड़ कर दिया। और दिगंबर धर्म जो है ये दूसरा संप्रदाय है, उसको मानने वाले लोग का आज पहला दिन उनका 10 दिन का होता है। तिथि के हिसाब से वो पहले से ही वो परंपरा चलती है। दुकान का बोर्ड थोड़ा अलग करे, वो जनता स्टोर है तो ये न्यू जनता स्टोर, बस बाकी वितराग धर्म में कोई फर्क नहीं। तो वही तीर्थंकर वही है, नमस्कार मंत्र वही है, मूल चिदान भी वही है, लेकिन हेरा फेरी करे तो ही दुकान चलती अपना अपना। और जिसका जिसका जोर ज्यादा होता है उसकी चल सकती, बाकी अंतर में शांति नहीं मिले तो वो ना दिगंबर सच्चा है ना श्वेतंबर सच्चा है। अपने अंतर में फायदा नहीं होता है तो दिगंबर श्वेतंबर स्थानकवासी कोई सच्चा नहीं, सब झूठे हैं, सब दुकान है। भगवान महावीर के नाम पे दुकानें खुली। तो ये जो दूसरा जो पक्ष है जो दिगंबर संप्रदाय बोलते हैं, जिनके मुनिया नग्न होते हैं कपड़े वगैरह नहीं पहनते, तो उनका आज 10 लक्षण धर्मों का पहला दिन। 10 लक्षण धर्मों में जब आत्मा अंदर में अपने आत्मा की अनुभूति करता है और फिर आगे जाकर के स्थिरता बढ़ते हैं, श्रावक बनता है, इससे भी ज्यादा आगे स्थिरता बढ़ करके मुनि बनता है, अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने आत्मा की साधना करने के लिए जंगल में रहता है। ऐसे परम मुनि औरों को 10 प्रकार के धर्म प्रकट होते हैं। धर्म तो एक ही है वितरागता, लेकिन जब वितरागता अंदर में बढ़ती है वकील कसायों की चौकड़ी होती है, तब साथ में 10 प्रकार से उसको पहचाना जाता है। ऐसे उनको उत्तम क्षमा होती है, उत्तम मार्दव होता है, इस प्रकार से। तो आज जो पहला दिन है वो तो क्रोध के अपोजिट में उत्तम क्षमा का दिन है। मोस्टली तो ये ऐसी क्षमा तो उत्तम क्षमा जिसको बोलते हैं वो सम्यक दर्शन सहित ही होती है। और 10 लक्षण धर्मों में जो मुनिराज की ही बात चलती है, मुनिराज ऐसी साधना करते हैं अपने आत्मा की, दिन में हजारों बार निर्विकल्प अनुभूति होती और सावधानी से लंच मात्र भी राग द्वेष न हो जाए, वापिस जीव दुर्गति में न जाओ,
उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील होते हैं। सिर्फ मिथ्या में दुख करना नहीं है आत्मा को, साथ साथ में ऐसी आराधना भी करना है। गलती करे सॉरी बोले और फिर वह गलती दोबारा हो गए तो फिर वो सॉरी ठीक नहीं। ऐसे मुनिराज जो है उन्होंने अपनी आत्मा को क्षमा किया है, क्योंकि इस जीव ने किसका बुरा किया है, अपना ही बुरा किया, किसी और का नहीं किया है। गुस्सा भी किया है तो अपना ही बुरा हुआ है। जिस पे गुस्सा करते हैं वो नरक में जावे भी ना भी जावे, लेकिन हम जरूर जाएंगे, गुस्सा करेंगे। तो सबसे पहले क्षमा करना है तो किसको करना है, अपनी आत्मा को करना है। तो यहाँ उत्तम क्षमा का दिन है। आप जैसे क्रोध मान माया लोभ चौकड़ी होती है कसाई, इसमें सबसे जीव को अंधा बना देता है ऐसा जो है वो क्रोध है। उसके सामने मुनिराज को आत्मा की आराधना करने से तीन कसाय की चौकड़ी होकर के उत्तम क्षमा धर्म की प्राप्ति होती। वितरागता के साथ साथ वितरागता का एक एंगल है वो क्षमा धर्म। इस बारे में रत्नक्रम श्रावकाचार्य का टीका का पंडित सदाशुदास जी पार्थलीवाल जी के कुछ शब्द आप पढ़ेंगे जो उत्तम क्षमा धर्म के बारे में। आज परमेश्वर पर्व का प्रथम दिन है, उसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म दिन। यह उत्तम शब्द सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है। अज्ञानी कितनी भी क्षमा करे वो उत्तम नहीं, अंदर में कसाय दब गया, क्रोध अंदर में दबा हुआ, वो क्रोध इसलिए नहीं करता है क्योंकि नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक में नहीं जाने के लिए संयोगों की अनुकूलता रहे, प्रतिकूलता नहीं आवे, ऐसी चाह के कारण वो अपने गुस्से को दबा देता है। कभी कभी मजबूरी से दबाता है कि अभी मैं गुस्सा करूंगा तो सामने वाला बलवान है तो फिर वो मेरे को ज्यादा मार पड़ेगा, इसलिए चुपचाप से किसी के पास 5,000 में फंस गए हैं तो क्या करते हैं, प्यार से बात करते हैं। क्यों? अंदर में गुस्सा, लेकिन बाहर में अंदर में बहुत गालियां देते हो लेकिन बाहर में दिखाते नहीं हो। क्यों? तो 5,000 में से एक दमड़ी भी आने वाली नहीं है। प्रेम से जितना निकलना है निकल, ये मजबूरी की भी क्षमा होती है। लेकिन सच्ची क्षमा तो आत्मा की आराधना करके बोलती है, अपने आत्मा के दर्शन होता है और तिल तुष मात्र परिग्रह की चाह नहीं होती है। राग के अंश में भी अपने महत्व बुद्धि एकत्र बुद्धि नहीं होती है और ज्ञायक बना रहता है। ऐसे जीव को जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, जिसको परमात्मा के दर्शन हुआ है, अगर वो क्षमा करता है तो उसका नाम है उत्तम क्षमा। वो क्षमा करता नहीं है, क्षमा उसके हृदय में अंदर से भीतर से आती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो सहज धर्म आत्मा का धर्म जो है वो उत्तम क्षमा का है। वो सहज है कि बाहर से कुछ निचाम करे नहीं करे, लेकिन उसको सारे जगत के सभी प्राणियों के प्रति संभाव रहता है, सबके प्रति एक सारी की करुणा रहती है। तो उत्तम क्षमा शब्द जो है सम्यक दर्शन सहित होने के लिए कहा है। उत्तम क्षमा तीन लोक में सार है। क्यों तीन लोक में सार है? तो उत्तम क्षमा होती है तो आत्मा के प्रति जो अज्ञान अवस्था में जो हम क्रोध करते हैं वो हम क्रोध नहीं करते हैं। दूसरे के ऊपर क्रोध करो तो बहुत बहुत तो नरक में जाओगे, लेकिन आत्मा के प्रति क्रोध करोगे तो क्या होगा? एक बार नहीं, कितनी बार जाओगे नरक में? अनंत बार जाओगे। तो कौन सा क्रोध बड़ा है? पूरी दुनिया को जला दे ऐसा एटम बम बना लो, बहुत बहुत तो क्या होगा? तीसरी नरक में जाएगी क्या? और सजा पूरी। लेकिन अपने आत्मा को नहीं देखे और उसको क्रोध करे तो उसकी सजा कितनी है? अनंत जन्म मरण करना पड़ेगा, निगोद में भी जाना पड़ेगा। नरक में तो अच्छा है कि मन मिलता है, लेकिन निगोद में तीजन गति में तो मन भी मिलता सबसे खतरनाक है। तो उत्तम क्षमा तीन लोक में सारे और कुपावड़े के अंदर आता है क्षमा मोक्ष नो भव्य दरवाजो। क्या लिखा है? मोक्ष का दरवाजा। उत्तम क्षमा मोक्ष का भव्य दरवाजा। क्षमा ये आगा शास्त्रम के ऊपर लिखा है, इधर के पहाड़ के ऊपर भी लिखा है। आपने प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि क्षमा के बिना समय दर्शन कैसे हो? जो अपनी आत्मा को क्षमा नहीं करता है उसको जन्म मरण से नहीं बचाता है, उसके ऊपर इतना गुस्सा करता है, दिन रात राग द्वेष करके उसको दुर्गति में लेके जाता है, उसको क्षमा कैसे हो सकता?
जो अपनी आत्मा को देखता है उसको उत्तम क्षमा होती है, जो अपनी आत्मा को नहीं देखता है बाद में भले ना किसी से वैर ना हो तो भी उसको उत्तम क्षमा, वो मोक्ष में जाने वाला नहीं, उसको कैसा है मंद है, स्वर्ग में जाएगा और फिर वहां भोग विलास करके वापिस दुर्गति में जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं। जो अपने आत्मा को जानता है उसकी मुक्ति, वहां से सम्यक दर्शन के द्वार खुलते हैं। तो उत्तम क्षमा तीन लोक में एक सार है, सार है मक्खन। उत्तम क्षमा संसार समुद्र से तारने वाली है, सम्यक दर्शन के बिना को जन्म मरण से मुक्त हो सकता, इसलिए वो अपने आत्मा को क्रोध कसायों से बचाना और क्षमा कर देना वो संसार समुद्र से गिर जाता है। रत्न त्रय को धारण करने वाली है, उत्तम क्षमा कैसी है, अगर ऐसी क्षमा एक बार हो जाए, अपने आत्मा के दर्शन एक बार हो जाए तो रत्न त्रय मिलेगा। क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, उसको धारण कराने वाली है और दुर्गति के दुखों को हरने वाली है। दुर्गति में जाएगा ही नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद दूसरा भाव स्त्री का नहीं, हिरियंज का नहीं है, स्वर्ग में जाएगा तो देवियों का अप्सराओं का नहीं है। देखो ज्योतिष देव नहीं बनेगा, भवनवासी नहीं बनेगा, व्यंतर भूत पिशाच नहीं बनेगा, चुड़ैल नहीं बनेगा, क्या क्या बनेगा? वैमानिक देव बनेगा। और पुरुष गति में आएगा तो स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, मनुष्य गति में आएगा पुरुष ही बनेगा, गरीबी नहीं होगी निरंतर, वो गर्भ श्रीमंत जिसको बोलते हैं ऐसी अवस्था में रहेगा। ये सब किसका प्रताप? प्रताप है उत्तम क्षमा करने, अपने आत्मा को क्षमा करना, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना, उसको देखना। क्रोध करने वाला जिसके ऊपर क्रोध करता है ना उसको देखता नहीं, देखना। जैसे आपको मेरे को आपसे बैर है तो मैं आप नजर नहीं मिलाऊंगी, ऐसे इस जीव ने अपनी आत्मा के ऊपर कितने साल से क्रोध करके रखा है, आज तक देखा ही नहीं कितना क्रोध। हम लोग आपस में व्यवहार में तो साल में एक बार मिर्चा मिर्च करके हाथ मिला करके एक दूसरे को देख भी लेते हैं, और व्यवहार को निभाने के लिए दुश्मन को भी छाता पूछने हॉस्पिटल में गया है तो जाते हैं, उसका देहांत होता है तो उसको घर वालों से जाते हैं मिलते हैं। लेकिन ये जीव ने अपने आत्मा पे इतना क्रोध किया है, आज तक उसकी सूरत भी देखी, अगर एक बार भी अगर देख ले तो जन्म मरण से मुक्त हो जाए, लेकिन उसने नहीं किया है। तो ये जिसको उत्तम क्षमा होती है उसका नरक तिर्यंच दोनों गतियों में गमन नहीं होता है। उत्तम क्षमा के साथ अनेक गुणों का समूह प्रकट होता है, जैसे आत्मा का दर्शन करते ही श्रद्धा में क्या फर्क, अनुभूति में क्या फर्क, मैं परमात्मा हूं ऐसी श्रद्धा होती है दर्शन करते ही, क्या आत्मा की कथा सुनने से सम्य दर्शन नहीं होता है, श्रद्धा नहीं पलटती। आत्मा के बारे में जानने से कि मैं परमात्मा हूं तो श्रद्धा नहीं पलटती, श्रद्धा माने मानना स्वीकार करना, जैसे ज्ञान ने जाना कि मैं ज्ञान मूर्ति हूं ऐसा ही मानना, माने क्या, जब मानेगा तो दो जगह मान्यता नहीं रहती, मैं देवचंद भाई भी हूं और मैं ज्ञान मूर्ति परमात्मा भी हूं ऐसा नहीं हो सकता। जानना हो देवचंद भाई जान सकता है आत्मा के बारे में बहुत कुछ शास्त्र पढ़ करके गुरु से सुन करके, लेकिन ये समझ लेना कि मैं आत्मा हूं ज्ञान मूर्ति ये श्रद्धा नहीं, क्या ये गुरु से मिली हुई उधार पूंजी है कि तुम देवचंद भाई नहीं हो तुम ज्ञान मूर्ति परमात्मा, लेकिन अंदर में मान्यता ऐसी पड़ी है कि मैं देवचंद भाई हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं रागी जैसे हूं, तो क्या होता है उसको मान्यता नहीं बदली। मान्यता कब बदलती है कि गुरु ने मुझे परमात्मा कहा और स्वयं अंतर्मुख दृष्टि करके देखे कि मैं वास्तव में मैं ज्ञान मूर्ति हूं और मैं आपसे स्वीकार करता हूं। जैसा स्वीकार करता है अपने आत्मा को कि मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा हूं उस टाइम से मैं देवचंद भाई वो भूल जाता है। अभी कभी मैं ऐसा नहीं बोलेगा मैं देवचंद भाई हूं, अभी मैं आत्मा हूं। भयंकर बीमारी आएगी तो देवचंद भाई का मृत्यु होगा ऐसा नहीं, मेरा मृत्यु कभी हो सकता क्योंकि मैं आत्मा हूं, डर नहीं लगता है। बिजनेस में लॉस हो जाए कुछ भी हो जाए मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ऐसे शांति रहती है अंदर। ये मान्यता जानने के साथ स्वीकार करना,
जब स्वीकार करता है तब श्रद्धा बदल जाती है। ये सम्यक दर्शन के अब आज से मैं अभी वो नहीं जो दुनिया वाले मुझे समझते हैं। लेबल भले ही देवचंद भाई का है लेकिन मैं परमात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धा में बैठता है तो सम्यक दर्शन उसका नाम है श्रद्धा। लेकिन अनुभव क्या होता है कि जब आत्मा को देखता है तो श्रद्धा के साथ साथ अनंत गुणों का वेदन आता है। खीर अकेले अकेले श्रद्धा गुण का वेदन नहीं आता है। जब खीर खाते हैं तो बादाम पिस्ता केसर शक्कर सबका साथ में मिला जुला स्वाद आता है। ऐसे जब आत्मा को देखता है तो श्रद्धा में तो ऐसा आया कि मैं परमात्मा हूँ, ज्ञान ने तो ऐसा जाना कि मैं परमात्मा हूँ और गुरु ने कहा था वो सत्य बात है, मिलान हो गए। लेकिन अनुभव कोई दूसरी चीज है। अनुभव क्या है? अनंत गुणों का मिला जुला स्वाद है और सिर्फ श्रद्धा गुण का परिणाम नहीं। इसलिए कृपा देव ने क्या कहा, सर्व गुणांस्ते सम्यक दर्शन। देखो सम्यक दर्शन के साथ साथ अनंत गुणों का, आत्मा के अनंत गुणों का वेदन एक साथ आता है। नाम नहीं मालूम लेकिन वेदन साथ में आता है। दूध पाक में सब पीस करके डाल देते हैं, अब ना मालूम नहीं कि कितना बादाम डाला है कितना पिस्ता डाला है, लेकिन जब पीता है तो सबका साथ साथ में आता है ना। बड़े मालूम नहीं हो कि इसको बादाम कहते हैं इसको केसर कहते हैं, लेकिन जब पीता है तो कैसा होता है, अकेली बादाम का स्वाद आता है, अकेले इलायची का स्वाद आता है कि सबका मिला जुला स्वाद आता है। तो अनुभव माने क्या, आत्मा के अनंत गुणों का स्वाद एक साथ आना, उसका नाम अनुभव। श्रद्धा माने क्या, अनुभव तो आता जाता है, आता जाता माने क्या, उपयोग आगे पीछे होते रहता है। जब अनुभव होता है तो आनंद का स्वाद आता है, अनुभव नहीं होता है तो आनंद का स्वाद नहीं आता है, तो राग का स्वाद आता है। लेकिन श्रद्धा फिर भी कभी बदल बदलती, श्रद्धा की इंटैक्ट रहती है। निर्विकल्प उपयोग आगे वापिस विकल्प में आता है, वापिस निर्विकल्पता में आता है। जब निर्विकल्पता होती है तो अनंत गुणों का स्वाद वेदन आता है, वापिस बाहर आ जाता है तो वापिस अशांति भी होती है, राग और हेरा फेरी होती रहती है। लेकिन श्रद्धा गुण में हेरा फेरी होती, यहाँ क्या कहते हैं कि उत्तम समाज जब प्रकट होती है तो उनके साथ अनंत गुणों का वेदन साथ में आता है, समूह प्रकट होता है। एक समा है ना, एक गुणों का राजा है। समा क्या है? गुणों का राजा। आत्मा का दर्शन होते ही सबसे बढ़िया काम होता है क्रोध के ऊपर बहुत बड़ा तलवार उगल जाती है, अब गुस्सा नहीं आता है। अब हम ऐसा मानते हैं कि कोई मेरी बात नहीं मानता तो कोई बात नहीं, वो भी जो स्वतंत्र है मैं भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो तकलीफ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आत्मदर्शन वाले को तकलीफ नहीं होती है क्योंकि उसको मालूम है मेरा कुछ भी बिगड़ा और बराबर है, मैं एक भी रजकण को एक भी पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, रूल्स कानून के अंदर हो रहा है, कानून की मर्यादा में हो रहा है, तो भगवान भी उसको आगे पीछे कर सकते हैं तो मैं कौन? जो परिणाम चलता है मैं तो जानने देखने वाला। तो क्या होता है, अपनी इच्छाएं सफल नहीं होने के कारण जो चिड़चिड़ापन क्रोध गुस्सा ये सब होता है वो खत्म हो जाता है। सबसे पहला गुण प्रकट आता है, अब गुस्सा नहीं आता है, शांत शांत इतना शांत हो जाता है कि घर वालों को आजू बाजू वालों को पता चल जाता है कि तुमको तो कोई गाली देता है तो भी तुम शांत रहते हो, क्योंकि उसको मालूम है जैसा परिणाम होना है वैसा ही हुआ है। अब मैं समता भाव नहीं रखूं और गुस्सा करूं तो किसका बुरा करूंगा, मुझे नरक में जाना। पूर्व पाप के उदय के कारण अगर कोई मुझे गाली भी देता है, मेरी इच्छा से विरुद्ध भी जाता है, मैं उसके हित में बात करता हूं तो भी वो उल्टा समझ लेता है, झूठा आरोप लगाता है, मुझे शांत रहना। वो स्वतंत्र जीव है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी को पलटा सकता, शांत हो जाता है। एक गुस्से पे बहुत बड़ा काबू आता है। तो उत्तम समा के साथ अनेक गुणों का समूह प्रकट होता है। मुनिराजों को तो अति प्यारी उत्तम क्षमा ही है। मुनिराज गए जंगल में इसलिए है कि कोई मच्छर करड़े, चीटी काटे, वाघ सिंह का उपसर्ग हो। घर में रहते रहते आत्मस्थिरता बढ़ा करके सबका हिसाब किताब चुकते कर दिया, घर वालों का, अड़ोस पड़ोस का, व्यापार धंधे का,
अब कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए घर में रहने, अब कहाँ गया? वो जंगल में जाने की भावना करने से जंगल में थोड़ा जाता है, भावना तो ऐसी ही होती है समय करती कि मैं अकेला रहूं, किसी के बंधन में नहीं रहूं, कोई मेरे अधीन न रहे, मैं किसी के अधीन न रहे। लेकिन वो आओ संभव है क्या? जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तब तक हिल भी सकता, भावना कर सकता है, अपूर्व अवसर है वो, ऐसी भावना कर सकता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो मुनिराज कहाँ जाते हैं? सीधा सिद्धालय में जाने जाते हैं कि जंगल में जाते हैं? कि मनुष्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, लेकिन भूतकाल में कितने जीवों को हमने, एकेंद्रीय जीवों की हत्या की है। देखो पृथ्वी का एक, वायु का एक, जल का एक, ये सब हुआ, अभी सब हिसाब किताब टूटते करो सबका। देख तो जंगल में तलवार लाठी कुछ लिए बिना, कपड़े वगैरह कुछ लिए बिना निहत्ते जाते हैं, क्यों? सामने से ही चाहते हैं कि मुझे ऐसी प्रतिकूलता आओ, इतनी प्रतिकूलता आओ चारों ओर से कि जल्दी सबका छुटकारा हो जाए और मैं जल्दी से मोक्ष में जाए। इसलिए तन पे वस्त्र नहीं, पैर में चप्पल नहीं, और बिल्कुल शांत भाव में जैसा भी उदय आता है सब सहन करना, गर्मी ठंडी, पवन का हवा जोड़ा तूफान होता है, पूरा झाड़, बड़े बड़े झाड़ भी उठ करके ऐसा हवा में उधर के उधर हो जाते हैं, ऐसे तूफान में वो जंगल में रहते हैं, वो भी हवा के साथ बहते हैं हवा में, कहीं जाके समुद्र में गिरते हैं, क्या होता है कैसे होता है सब सहन कर लेते हैं। जैसा पूर्व कर्मों का उदय होगा वैसा होगा, मुझे तो हिसाब किताब चुकता करना है, ऐसा करके वो अपने आत्मा का आधार कभी छोड़ते, ज्ञान ज्ञान मात्र रहते, जो भी हो रहा है जानने मात्र रहते, ज्यादा पीड़ा हो तो अंदर आत्मा द्रव्य दृष्टि कर लेते, तो पीड़ा पर से लक्ष्य हट जाता है। देख तो आनंद का, आनंद को भोगते भोगते सारे कर्मों का चुकता, ये बात मुनिराज को अति प्यारी सूतम समा है। उत्तम समा की प्राप्ति को ज्ञानी जन को, ज्ञानी जन तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं। अगर उत्तम समा हो जाए तो कैसा समझते हैं ज्ञानी पुरुष, तो हो मुझे चिंतामणि रत्न मिला, क्या अब मेरा कोई जगत में बैरी होगा? भूतकाल में किसी से झगड़ा किया होगा तो वो हिसाब किताब ले लेगा मेरे, लेकिन अब नया वेर कोई पैदा होगा? इतनी उत्तम समा होती है मुनिराज को तो, कि वो चमड़ी निकाल दे और नमक में चिता ले तो भी अपने आत्मा का ध्यान छुटता, ये जो भी हुआ है शरीर को होता है, मेरे को होता, मैं तो अजर अमर चैतन्य हूँ, इसकी दृष्टि उनको बहुत गाढ़ी हो गई। समय दृष्टि को दृष्टि हुई है लेकिन इतनी गाढ़ी नहीं है, लेकिन मुनिराज की तो बात क्या करे, क्या चारों ओर अग्नि में जला देवे ना तो भी भागने की कोशिश न करे, चारों ओर अग्नि कर दो मुनिराज नहीं भागेंगे, ऊपर उठा करके गाली भी नहीं देंगे, जैसे गलत नजर से देखेंगे भी नहीं, उल्टा उत्सव करने वाले के ऊपर तो उनकी आंखों में से प्रेम बरसता है, देखो ये मुझे कर्म से छुड़ाने के लिए ऐसी कोशिश करता है, क्या मुझे कर्मों से छुड़ाने के लिए, इनका कोई दोष नहीं है, किसका दोष है? मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना पूर्व, वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी नोट फाड़ रहा है, बहुत अच्छा किया है भाई, मुझे तेरे से कोई वैर नहीं है, ऐसा कितनी कितनी बड़ी बात है, तो कोई अपने को अग्नि में जलावे जो भी भागे नहीं और सामने वाले के ऊपर गुस्सा करे नहीं, अपशब्द बोले नहीं, इतना ही नहीं उसके ऊपर करुणा रखे, बेचारा ऐसा करता है लेकिन कहाँ जाएगा, इसका बेचारे का क्या होगा, ऐसा करके करुणा बरसाते हैं, उनके आँख खुलती है तो वो देखते हैं तो करुणा आती है, गुस्सा नहीं होता है, प्रेम 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 होता है। अरे इतनी उत्तम समा होती है मुनिराज को कि उनके हाजिरी में तो शेर कितना भी भूखा हो तो भी हिरन को खाता नहीं, उनकी शांति को देख कर ऐसा हो जाता, सब आजू बाजू बैठ जाते हैं, इतने क्रोधी प्राणी भी क्या करते हैं मुनिराज के पास बैठते हैं, शांति चाहिए ना उनको भी, तो शांति के भंडार को देख के उनको भी शांति मिल जाती है, कोई शांत बहुत शांत रहता है उसके बाजू में जाते हैं तो क्या होता है, शांत हो जाता,
ऐसे जंगल में मुनिया रहते हैं तो जंगल में मंगल हो जाता है, बाकी हिंसक प्राणी भी अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं, और शांति पाने के लिए वो कहाँ जाते हैं, देखो खाने को नहीं मिलते हैं जानवरों को, फिर वो बहुत भूख से चिड़चिड़े हो जाते हैं, वेदना सहन नहीं कर पाते हैं, अशांति बहुत होती है, फिर वो कहाँ आ जाते हैं, इंद्रनाथ के पास आ जाते हैं, उनकी शांति देखते हैं तो शांति, भूख को भूल जाते हैं, भूख प्यास भूल जाते हैं, ऐसे जबरदस्त उत्तम समा इंद्रनाथ को उपयुक्त है। उत्तम समा की प्राप्ति को ज्ञानी जन तो चिंता में रत्न की प्राप्ति के समान लाभ मानते हैं। उत्तम समा मन को उज्जवल करती है, चित्त बिल्कुल शांत है, समा गुण के बिना मन की उज्जवलता तथा स्थिरता कभी नहीं होती, क्योंकि उसके वैरी बहुत होते हैं और कौन कब क्या गा करेगा मालूम नहीं, हमेशा दर 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 रहता है, डर क्यों रहता है, क्योंकि हमने गुस्सा किया है तो सामने वाला भी चांद देखता होगा क्या, तब तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जब बलवान होकर के आएगा पीछे से कम वार करेगा मालूम पड़ेगा नहीं। तो जिसने गुस्सा किया है ना उसको हमेशा शांति रहती है अंदर, बाहर से तो मोटर में घूमता है, एक गणपति को चंदा नहीं देना फिर क्या होता है देख लो, हट कर लेना फिर क्या होता है, अभी आप मोटर कार में वहां जा नहीं सकते, जा सकते हैं ये पत्थर मारेगा क्या होगा, वो चंदा को 200-300 मांगता है, कार को ठीक कराने का कितना खर्चा लगेगा, जब उत्तम समा वाले को क्रोध नहीं होता है, क्रोध नहीं होता तो उसके वैरी नहीं होते, वैरी नहीं होते हैं तो बिल्कुल मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, कोई मेरा क्यों बुरा करेगा, चित्त में कितनी शांति रहती है, बहुत शांति, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने 1000 गाली दी हमने एक भी जवाब नहीं दिया क्या हुआ, अब वो कभी भी अपने से गुस्सा करेगा क्योंकि उसका वैल्यू नहीं, खत्म हो गई वैल्यू, उस गाली की वैल्यू खत्म हो गई, अगर वो गाली दे और हम कुछ उल्टा सुलटा बोले तो उसकी वैल्यू है, पर गाली की क्या वैल्यू है, वो 1000 गाली दिया और हमने कुछ निशान की सुनते रहे क्या हुआ, कौन हार गया, गाली नहीं ना कि बोला मेरी गाली का कोई वैल्यू नहीं है, नकली नोट है, कोई लेता ही नहीं, क्या 1000 होगी करोड़ होगी इसके ऊपर कुछ गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं, अपनी शांति देख करके सामने वाला भी देखो कैसी मजा है, अपने को तो मन में भी नहीं आना चाहिए सामने वाले पे गुस्सा, क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे, हम अवलोकन में रहे अपने के, अपने को क्या हो रहा है, वो गाली देता है तो अपने को क्या हो रहा है, देखो इधर अवलोकन, तो हम भी शांत हो जाएंगे और सामने वाला भी शांत, ऐसे सुगंध फैलती है, ओहो आप कहाँ जाते हो, आप पहले बहुत गुस्सा करते थे, 4 बोलता था तो आप 8 बोलते थे, अभी आप कहाँ जाते हो रोज, इतने शांत हो गए कैसे हो गए, आपको ये शांति मिली कहां से, किसने दिया, वो भी सत्संग में आ जाएंगे, बेचारा दुखी है और दुखी तो सब है, देखो हम अगर इस बिल्डिंग में जावे ना डॉक्टर कोई, तो कोई बीमार हो कोई ना हो, कोई दवा ले कोई ना ले, क्योंकि हमारा फैमिली डॉक्टर दूसरा है, लेकिन अगर हम शांति का अशांति का इलाज करते हैं सब लोग लाइन लगाए, एक भी जीव खाली नहीं होगा देखना, क्यों, कि शांति तो सभी जीव को चाहिए चाहिए, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए कि मैं आपको क्रोध मान माया लोग सबको हटा दूंगा, तैयार हो आपको शांति मिलेगी और फ्री में दवा करूंगा, फिर क्या होता है, एक पूरी बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकलेगा कभी, यहाँ ही सब घर चालू बस यहाँ पर, ये भरतपुरा से भगतपुरा से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ ही सब भक्तों की टोली लग जाएगी भरतपुरा, क्योंकि शांति सबको चाहिए और फ्री में मिलती हो तो ऐसे शांति का परिणाम होता है, तो उत्तम क्षमा मन को उज्जवल करती है, क्षमा गुण के बिना मन की उज्जवलता अथवा स्थिरता कभी नहीं रहती है, वांछित अभिप्राय की सिद्धि करने वाली एक उत्तम क्षमा ही है, अपने जितने भी इच्छा है मन की पूरी करना है, बच्चा लेसन करे बराबर उसकी बात मनवाना है, तो कभी उसके को गुस्सा नहीं करना, समझाना प्रेम, नहीं माने तो भी गुस्सा नहीं करना, ऐसे एक हफ्ता भर करके देखो कि क्या होता है, देखो क्या, फिर वो भी आपकी बात जरूर मानेगा, आपको दुखी नहीं करेगा, क्यों, आप कभी उसको दुखी नहीं करते हो फिर आपकी बात क्यों नहीं मानेगा, क्या
आप उसको बोलो कि देखो तुमको कौन से सीरियल पसंद है, सामने से जाके लगा के दो, देखो टाइम हो गया सीरियल का, मतलब देखो सीरियल कार्टून सब देखना है ना, देख ऐसा। और फिर बेकार की सीरियल हो तो उसको बोलना टाइम के में उतना टाइम में तू लेसन कर ले, वापिस तुम्हारी काम की सीरियल आएगी वापिस लगा देना। देखो कैसा होता है एडजस्टमेंट, हम मना नहीं करते हैं, वो तो छोटी लेवल नहीं देखना, फिर वो भी कोई छोटा कम नहीं क्या, वो हम भी किसी से कम नहीं है, तो माँ बाप हो तो हम भी कोई कम नहीं, हम आपसे ही बेटे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं। एक तरीका होता है, प्रेम से जीत सकते हो, क्रोध से कभी किसी को जीत सकते। हम अपने घर में दुश्मन खड़ा करते हैं, जैसे ऐसा करो ऐसा नहीं करो ऐसा करो, कोई तुम कोई दुर्म का नहीं हो, तुम्हारी भी चलने वाली नहीं। अपने घर में दुश्मन खड़ा मत कर, पड़ोसी का लड़का नहीं माने तो क्या करते हो, गुस्सा करते हो, और अपना लड़का नहीं माने तो गुस्सा क्यों करते हो, फिर अधिकार है अपना है बल्कि अधिकार, कोई अधिकार नहीं, वो भी एक जीव है आप भी एक जीव, अभी किसी के ऊपर गुस्सा मत करो, सारी दुनिया को वश कर लो क्या, आपकी आंखों में प्रेम बरसना चाहिए, बात माने तो अपना और नहीं माने तो अपना नहीं, वो भी अपना बेटा अपना है, माने तो भी अपना नहीं माने तो भी, नहीं मानेगा नुकसान करेगा तो उसका नुकसान होता है, इसमें आप क्यों इतना गुस्सा करते हो, समझाओ प्रेम से, नहीं कोई बात छोड़ टाइम तक पूरा होने को जन्मदयंती है, फिर क्या बोलते हैं सब एक घंटे में नहीं होता है, अब पढ़ लेता हूँ चुपचाप, सम अर्थात पृथ्वी, उसके समान सहने का स्वभाव होना उसका नाम समार्थ। पृथ्वी के ऊपर चलते हैं तो पृथ्वी कुछ बोलती है, चुपचाप करती है, आवाज करती है, छुट्टी करती है चुपचाप, ऐसा कितने भी दुख आ गए कितनी भी पृथ्वी बोलता आ गए, मुंह से उठ तक नहीं निकलना, निरंतर अपने अवलोकन में रहना, उसका नाम क्षमा। अपने सम्यक स्वरूप को हित हित को समझकर असमर्थकों के द्वारा किए हुए उपद्रव को आप समर्थ होकर भी राग द्वेष रहित होकर सहना, ऐसा नहीं कि हम निर्बल है इसलिए क्षमा करते हैं, नहीं आप बिल्कुल बलवान हो तो भी आपको क्षमा ग्रहण करना, विकारी नहीं होने देना अपने परिणति, उसका नाम उत्तम क्षमा। कमजोर तो क्षमा करते हैं, उनकी क्षमा में कोई दम नहीं, महावीर हो फिर भी आपको कोई गाली देवे और फिर भी आप अपने आत्म में रहते हो और गुस्सा नहीं करते हो, उसका नाम है उत्तम क्षमा। क्रोध को जीतने के उपाय बताते हैं, उत्तम क्षमा उत्पन्न हो और क्रोध न हो गए उसका उपाय, क्रोध को जीतने की विधि इस प्रकार है। ये पंडित सदाशिवदास जी जो सम्यक दृष्टि थे, आज से 150-200 साल पहले इन्होंने रत्न प्रिंस रावाचार्य की टीका लिखी, उसके वचन है, ज्ञानी के वचन, कोई आपको दुर्वचन कह करके दुखी करे, गाली दे, चोर कहे, अन्यायी, पापी, दुराचारी, दुष्ट, नीच, दोगला, चंडाल, कृतघ्नि, ऐसे अनेक दुर्वचन कहे, तो ज्ञानी को कैसा विचार करना चाहिए। देखो ज्ञानी की बात करते हैं, मुमुक्षु को तो करना ही चाहिए क्योंकि ज्ञानी बनना है तो जैसा ज्ञानी करे वैसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ ज्ञानी को क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी भी अगर निरंतर अवलोकन में नहीं रहेगा तो उसको भी गुस्सा, बहुत सावधान रहना, हमको आत्मज्ञान हो गया बस, अब कुछ नहीं, अरे भैया श्रद्धा गुण कंप्लीट हुआ है, चारित्र गुण कंप्लीट, अनंत अनुमंदी गया है, अप्रत्यय ज्ञान प्रत्यय ज्ञान संतुलन सब बाकी है, ज्ञानी को कैसा विचार करना चाहिए। पूर्व कर्मों के उदय से ज्ञानी को भी कोई ऐसे गलत लोग मिल जाते हैं, उनको गलत आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, गाली देते हैं, सब करते हैं, दुखी करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो ज्ञानी को कैसा विचार करना चाहिए। विचार माने अवलोकन, क्या अवलोकन का दूसरा नाम क्या है, कर विचार तो उपम लिखा है, अवलोकन कर विचार तो विचार माने अवलोकन, ज्ञानी को ऐसा अवलोकन करना चाहिए, मैंने इसका अपराध किया है कि नहीं किया है, जो मेरे को इतना तकलीफ देता है
गाली देता है तो मैंने उसका अपराध किया है कि नहीं किया है, तो अपने परिणाम को चेक कर ले। यदि मैंने उसका अपराध किया है तथा राग द्वेष मोह के वश होकर के किसी बात से उसका जीत दुखाया हूं तो मैं अपराधी हूं, मुझे चुपचाप गाली जो देता है वो सहन कर लेना चाहिए। क्यों? मैंने उसका बिगाड़ा, प्रमाद के कारण मैंने उसको दिल को दुखाया। भले दुखाने का भाव नहीं था लेकिन उसकी मर्जी को तोड़ा क्या, और वो दुखी हुआ है, वो दुखी हुआ है उसमें मेरा मैं निमित्त हूं, तो क्या करना चाहिए? वो गाली दे में तो चुपचाप सहन कर लेना चाहिए, वो अपने परिणाम को चेक कर लेना। तो मैं अपराधी हूं, मुझे गाली देना, नीच चोर कपटी अधर्मी कहना बिल्कुल न्याय संगत है। वो सही बोल रहा है, जो भी बोल रहा है कि मुझे आत्मदर्शन के बाद भी मेरे में इतना प्रमाद और मैं दूसरों को इतना दुख देने में निमित्त बनता हूँ, बिल्कुल सही बोलता है। मेरे में धर्म करने की ताकत ही थी, कोई योग्यता ही, तो बिल्कुल न्याय संगत है। मुझे इससे अधिक दंड देता तो भी ठीक था, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। क्यों? कि मैं अपने आत्मा में निरंतर रहता और प्रमाद के कारण मेरे से गलती हो गई। ये तो उसने सिर्फ गाली दी है, वो डंडा लेकर सच में नहीं मारा है। अगर वो मारता ना तो भी ठीक था। क्यों? कि मैंने अपराध ही इतना बड़ा किया है, मैंने अपराध किया, अब मुझे गाली सुनकर क्रोध नहीं करना वही उचित है। अपराधी को नरक में भी दंड भोगना पड़ता है, मेरे निमित्त से इसको दुख हुआ, तब दुखी होकर के दुर्वचन कह रहा, ऐसा विचार कर दुखी न होकर क्षमा ही करता है। ज्ञानी क्या करता है? क्षमा करता है। यहाँ शॉर्ट में दिया है, इसके बहुत विस्तार है। लास्ट ईयर अपन लिए थे तो उत्तम क्षमा के ऊपर 4 लेक्चर हुए, लास्ट ईयर की कैसेट है, दोबारा रिपीट करना है जिसको समझना हो, लास्ट ईयर की कैसेट ले लो। क्षमा के बारे में 4 घंटे का स्वाध्याय हुआ है, आज तो सिर्फ इतना ही लिया और आज का टाइम भी पूरा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि और भी प्रोग्राम है। 5 नंबर लिखा था, बाद में लेंगे। के बाद सब लोग बैठते हैं।